खबर है महाराष्ट्र के थाने जिले के कल्याण शहर से। नौ दिन नौ देवियों की पूजा अर्चना की गई। महाराष्ट्र समेत समूचे देश में बड़े ही धूमधाम से इस पर्व को मनाया गया। हर जगह डांडिया कार्यक्रम देखने को मिला। गरबा और डांडिया प्रेमियों में भारी उत्साह देखने को मिला। डांडिया के आखिरी दिन हजारों की संख्या में गरबा प्रेमियों ने नवरात्रि के आखिरी दिन तरह तरह के पोशाक पहनकर डीजे की धुन पर थिरकते हुए नजर आए डांडिया और गरबा प्रेमी। इसी कड़ी में कल्याण पूर्व के कोलसेवाड़ी में श्री शनेश्वर मित्र मंडल द्वारा डांडिया नाइट का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजक भरत जाधव ने डांडिया कार्यक्रम के आयोजन के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस बार राज्य सरकार द्वारा डांडिया का समय बढ़ा दिया गया था, जिसे गरबा प्रेमियों ने खूब आनंद लिया। वहीं आखिरी दिन बेहतर पहनावा व अच्छा प्रदर्शन करने वालों को भरत जाधव की तरफ से इनाम दिया गया। प्रथम पुरस्कार सोने की अंगूठी थी, जो कि साउथ फिल्म कांतारा का पोशाक पहनकर आए एक बच्चे जिसका नाम सिद्धेश खाड़े है, उन्हें दिया गया। वहीं दूसरे विजेता को मोबाइल और मिक्सर तीसरे विजेता को दिया गया। यही नहीं, गरबा में भाग लेने आए छोटे बच्चों को भी पुरस्कृत किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अध्यक्ष भरत जाधव के अलावा सचिन सालवे, सनी खेड़ेकर, अमित सालवे, अर्जुन अहिरे, तेजस जाधव, दुर्गेश तांबे, जयेश नेहरे के अलावा कई लोगों ने बड़ी मेहनत की। हम लोग गरबा और सब करते हैं, और ये भरत जाधव ये हमारे मंडल के अध्यक्ष है। हम नौ दिन से पूरा मंडल पूरा जोरदार से कर रहे हैं गरबा रास, डांडिया रास, और फ्री डांस भी रखते हैं हम लोग लास्ट में 15 मिनट के लिए। लोग आते हैं कल्याण डोंबिवली से, नागपुर से, जिधर से जैसा सबको मालूम वैसे वो लोग आते हैं। हम लोग ने हर साल फैंसी ड्रेस रखते हैं, लेकिन हमारा कल फैंसी ड्रेस था, उसमें बहुत लोग आए थे। बहुत जन ने अच्छा वेशभूषा किया था, फैंसी ड्रेस किया था, सबको पसंद आया, हम लोग को भी पसंद आया, बहुत अच्छा हुआ।